नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और आप अपने खाते में ऑनलाइन बिना बैंक जाए पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से ले सकते हो, उसी का पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। और साथ ही हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप उसका जवाब आपको इंस्टाग्राम पर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए हमें जाकर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए और साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर और समझते हैं कि आप किस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस प्रकार से आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, बस शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है आपको वीडियो, तभी समझ आएगी। इसलिए दोस्तों, बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेना है तो दोस्तों उसके लिए आपको पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि लोन की वेबसाइट है, पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों, उसको आपको यहां पर सर्च कर लेना है, क्रोम ब्राउजर में आना है अपने और यहां पर टाइप कर लेना है PNB लोन, ठीक है। अगर ये भी डालोगे तो भी वो वेबसाइट आपको आ जाएगी, अगर आप इंस्टा PNB लोन भी डालोगे तब भी आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर PNB की काफ़ी सारी वेबसाइट आ रही हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है। नीचे आपको मिलेगी सिर्फ जहाँ पर PNB लिखा होगा और यहाँ पर ऊपर वेबसाइट लिखी होगी instaloans.pnbindia.in, तो इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने PNB का जो है लोन की वेबसाइट का ऑफिशियल पेज यहां पर आ जाता है। तो यहां पर लिखा है वेलकम टू PNB इंस्टा लोन्स और यहां पर नीचे लिखा है, देख सकते हैं, इसकी जो है लो इंटरेस्ट रेट्स मिल जाता है, क्विक डिसबर्सल हो जाता है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है और एंड टू एंड जो है ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो मतलब काफी इजी स्टेप में जो है आपके खाते में लोन क्रेडिट हो जाएगा बड़े ही आराम से, अगर आप एलिजिबल होंगे तो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लोन देखने को मिल जाते हैं, पर्सनल लोन, पेंशन लोन, ई मुद्रा लोन। तो दोस्तों, हमें पर्सनल लोन देखना है तो दोस्तों हम पर्सनल लोन वाले पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम पर्सनल लोन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो अकाउंट नंबर के साथ, कस्टमर आईडी, आधार नंबर के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी के साथ लॉगिन करके देखता हूँ कि क्या मैं एलिजिबल हूँ लोन के लिए या नहीं हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ और नीचे यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देता हूँ दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दोस्तों, मैं अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया है, जो कि मेरे पंजाब नेशनल बैंक खाते से लिंक है। तो दोस्तों, आपको वही मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद मैं नीचे प्रोसीड पर क्लिक करके देखता हूँ कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो दोस्तों, मैं जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टा पर्सनल लोन ऑफर नॉट अवेलेबल एट गिवन डिटेल एज ऑफ नाउ, टू अवेल लोन ऑफलाइन प्लीज कॉन्टेक्ट योर PNB ब्रांच। तो मतलब मैं इसके लिए अप्रूव्ड नहीं हूँ, इसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ इस लोन के लिए, मैं इसलिए अवेलेबल नहीं हूँ। मैं इसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं करता हूँ, मेरे अकाउंट में बहुत ही कम अमाउंट रहती है, ना ही कोई मेरी सैलरी इस अकाउंट में आती है, ना कोई मेरा ऐसी मोटी अमाउंट है कि मैं इस अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ। तो मतलब इस अकाउंट का मेरा ट्रांजेक्शन इतना अच्छा नहीं है, मेरे इसमें मात्र 700 से 800 रुपये पड़े हैं, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें मेरा इतना ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए मैं इस लोन के लिए अप्रूव नहीं हूँ, ना ही मेरे कोई मंथली पैसा आता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये भी एक अकाउंट के ऊपर होता है, आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होना चाहिए या फिर आपकी सैलरी आ रही है, तभी आप इसमें अप्रूव्ड हो जाते हो इस लोन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अप्रूव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे का प्रोसेस थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इसके बाद आपका क्या प्रोसेस आएगा। तो दोस्तों, मैं इसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ अगला इंटरफेस आएगा, जहां पर आपकी कस्टमर आईडी शो हो जाएगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो हो जाएगा और उसके नीचे एक ऑप्शन और आ जाएगा जहां पर लिखा होगा एंटर OTP, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया होगा। दोस्तों, वो OTP आपको उस वाले बॉक्स में डाल देना है और नीचे फिर एक बटन आएगा, वहां से सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं फिर आगे का प्रोसेस बता देता हूं कि आगे आपको उसके बाद क्या प्रोसेस करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप OTP पे सबमिट कर दोगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां पर पर्सनल लोन लिखा होगा, नीचे आपकी एलिजिबल लिखा होगा कि आप कितनी अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे, कि 2 लाख, 3 लाख, 15 लाख, 16 लाख, ठीक है, वो अमाउंट यहां पर लिखी होगी। इस तरीके से यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफ
और अमाउंट लिखी होगी विद ए टेन्योर ऑफ 60 मंथ, 40 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आपके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर मिलेगा, उसकी मदद से आप जो है अपनी ईएमआई सेट कर सकते हो, देख सकते हो कि कितने ईएमआई के लिए चाहिए, कितना आपको वो चाहिए। फिर भी मैं आपको एक दूसरा ईएमआई कैलकुलेटर के थ्रू समझा देता हूँ कि आप ईएमआई कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पेज कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपके हेल्प के लिए मैं दूसरा एक ईएमआई कैलकुलेटर खोल लेता हूँ लोन के लिए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं दूसरे ईएमआई कैलकुलेटर पे चला जाता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी अमाउंट डाल के देख लेनी है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको अपनी अमाउंट डाल लेनी है, जैसे कितने तक का लोन चाहिए आपको। अगर 2 लाख का लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर 2 लाख डाल देना है, ठीक है। कितने इंटरेस्ट पे, तो दोस्तों इंटरेस्ट भी आपको उस पेज पे दिख जाएगा, तो आपको इंटरेस्ट जो है लगभग 12.15 के समथिंग मिलेगा देखने को, इतने परसेंट का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और मंथ 60 मंथ आपके आ गए, ठीक है। तो 60 मंथ ही आपको इसमें मिनिमम मैक्सिमम मिल सकते हैं, मतलब मिनिमम जो मैक्सिमम है वो 60 मंथ मिल सकते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप 2 लाख का लोन लेते हो तो आपको यहाँ पर मंथली ईएमआई 5,282 रुपये देनी पड़ेगी, और 12.15 जो इंटरेस्ट रेट है इसके हिसाब से, और 48 महीने के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 60 महीने का यहाँ पर देखने को लोन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ईएमआई तो आपको मैंने यहाँ से समझा दिया, लेकिन पेज आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, जिसमें आपका सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसे घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है, इस एरो को। उसके बाद नीचे आपका इंटरेस्ट रेट लिखा होगा और आपकी मंथली ईएमआई भी दिख जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों जब यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर लोगे अपनी ईएमआई और फिर मंथली रेट, तो उसके बाद दोस्तों आपके पास एक मैसेज आएगा नीचे, आप एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कन्फर्म करेगा कि आपकी जो है सेलेक्ट अमाउंट कुछ 2 लाख रुपये है, टेन्योर आपने कितने मंथ का डाला है, 24 मंथ का डाला है, इंटरेस्ट रेट कितना डाला है, ईएमआई आपकी कितनी बन रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है, 2 बटन दिखे हैं कैंसिल कंफर्म का, तो कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ई सैंक्शन लेटर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ई सैंक्शन लेटर आ जाएगा, उसे पढ़ लेना है। उसके नीचे आपको एक बटन दिखेगा एक्सेप्ट का, जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो आपका लोन तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। लोन के बाद आपको कुछ इस तरीके का मैसेज मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन का, तो आपके अकाउंट में तुरंत लोन आ जाएगा। इसमें ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ा, कुछ नहीं देना पड़ा, तुरंत आपके अकाउंट में प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके एलिजिबल के आधार पर मिलेगा कि आपको कितनी एलिजिबिलिटी मिली है, कितने लोन के अमाउंट के साथ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, जरा सी भी हेल्प हुई है वीडियो से, तो यार वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।